क्या बनोगे? अंकल मैं तो आप जैसा बनूंगा। मतलब इंजीनियर बनोगे? नहीं अंकल, इंजीनियर नहीं बनूंगा। फिर बेटा क्या बनोगे? अंकल मैं दूसरों के घर में जाके नमकीन बिस्कुट खाऊंगा और उनके बच्चों से पूछूंगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे। शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? बनाया था। अगर बताए होते तो हम तुमसे शादी क्यों करते? हमने तुमसे बोला था रानी की तरह रखेंगे तुम्हें। इनके घर में सनग्लासेस पहन के क्यों घूम रहा है? ये आजकल का फैशन है पापा। नालायक कहेंगे तो फैशन ही करते रहना। देख खरबूजे का लड़का आज क्लास में फर्स्ट आया है। खरबूजा आज गर्व से सीना चौड़ा करके पूरे मोहल्ले भर में घूम रहा है। तू भी कुछ ऐसा काम कर कि मेरा भी सीना चौड़ा हो जाए। कूल पापा कूल। बस इतनी सी बात, मैं आज ही आपका एडमिशन बगल वाले जिम में करवा देता हूँ। ऑनली 3 मंथ्स में आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, वो भी गारंटी के साथ पापा। भाग जा यहाँ से, नहीं तो चप्पल फेंक के मारूंगा तेरा चश्मा और दोनों टूट जाएगा। भाग यहाँ से। प्रिंसिपल साहब ने घर भगा दियो। भगा दियो? क्यों भगा दियो? हैं? क्यों भगा दियो? पापा हम पेपर लिख रहे थे, उके नीचे कछु लिखो हमका समझ नहीं आयो। हम मास्टर साहब से पूछ लियो, मास्टर साहब बोले पीटियो, हमने उन्हें पीट दियो। प्रिंसिपल साहब हमें घर भेज दियो। सुना तो खाने में क्या खाओगे, रोटी या पराठे? रोटी बनाए लो। ठीक है। अरे रुको, दिलवाली रोटी बनाए लेना। ये दिलवाली रोटी कौन सी होवत है? वो दिन तुम मायके गई ना तो पड़ोस वाली भाभी बना के दे गई, बड़ी अच्छी लग रही खावे में, तुम भी बनाए लो। अरे भैया इस सज्जाज की कहा चली सवारी? अरे हम लोग गोवा जाते ही घूमे। अरे अरे इसे अचानक से कोनो लाटरी साटरी लग गई हो का? अरे नहीं भैया, लाटरी साटरी नहीं लगी हो, नवरात्रि आए वाली हो, अब 9 दिन तो कोनो हमें पूछिए नहीं, तो सोचे तनी गोवा तक घूमावा जाए।